विजयपुर डीसी सांबा के निर्देश के बाद लॉकडाउन में क्षेत्रों की दुकानदारों द्वारा तो दुकानें खोली गई, लेकिन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। जानकारी अनुसार डीसी रोहित खजूरिया के निर्देश के बाद विजयपुर क्षेत्र के कुछ दुकानों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, लेकिन जब दुकानें खुली तो ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सांबा जिला में कोरोना बीमारी में इजाफा तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष दीपक कुमार, कांग्रेस नेता एवं पार्षद राजन शर्मा आदि लोगों ने मांग की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ लोगों ने तो ना तो मास्क पहना थे ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की ओर ध्यान दिया। वैसे सोच रहे हैं कि जैसे कोरोना बीमारी किसी दूसरे देश में चल रही है। फैसला लिया है दुकानें खुलने का, हफ्ते में एक दिन या दो दिन, जैसे हमारे मनियारी वाले भाई हैं, रेडीमेड वाले हैं, गारमेंट्स वाले हैं, कपड़े वाले हैं, बूट चप्पल वाले हैं, ये बड़ा सफ़र कर रहे थे क्योंकि आजकल आपको पता ही है जैसे कि हमारी सब्जी फ्रूट है या और जो ज़रूरी चीज़ें हैं के लिए, कॉस्मेटिक का जो सामान है लेडीज़ को या और भी जो ज़रूरत का सामान है, जैसे गर्मी का मौसम है, लोगों को पाउडर चाहिए, डीओ चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि दुकानदारों को जो गवर्नमेंट ने जो मतलब ये डिसीजन लिया है दुकानें खोलने का, चाहे दो घंटे का या तीन घंटे का जो टाइम दिया है, बट जो हमारे रेडी फड़ी वाले जो भाई हैं जिनके पास दुकान नहीं है, जो बेचारे बाहर लगा के अपना जीवन निर्वाह करते थे, कि उनको भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि एक ये उनके लिए भी कुछ एक ऐसा फैसला लिया जाए कि उनको भी दो या तीन घंटे का टाइम, जिस तरह से हमारे दुकानदार भाइयों को दिया गया है, जिनके पास अपना खड़ा नहीं है, दुकान नहीं है, दुकान मतलब सामान बेचने के लिए, जो अपना गुजारा करते थे, अपने बच्चों का पेट पोषण करते थे, जैसे कि सब्जी फ्रूट वालों को भी रेडी लगाने दी जा रही है, इस तरह से जो हमारे गरीब भाई हैं मनियारी का या रेडीमेड का या बूट चप्पल का जो रेडी फड़ी लगाते थे, उनको भी दो या तीन घंटे का इस तरह से टाइम दिया जाए। प्रधान कुमार मंडल विजयपुर भारत भूषण एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज उन्होंने दुकानदारों को समय दिया है, इसी तरह और बहुत से दुकानदार हैं, बहुत से ट्रेड हैं जिनको समय नहीं मिल रहा है, जिनका किसी भी खाते में नाम नहीं आ रहा है, जैसे क्रॉकरी की दुकान है, फोटोग्राफर्स की दुकान है, और इसके अलावा छोटे जो रेड़ी फड़ी है, जो जिनका गुजर बसर उन्हीं से चलता है, और बड़े फटे हाल मंदे में हैं लोग। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो सभी को उचित समय बना करके सबको समय दें ताकि सबकी जो रोजी रोटी है वो चल सके। अंश गुप्ता है और मैं विजयपुर का रहने वाला हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ अपने टाउन का और मैं सभी अपने साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने दुकानदार लोगों से और अपने कस्टमर से, अपने बाजार के लोगों से यही भी मांग करता हूँ कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलो तो मास्क लगा के ज़रूर निकलें, क्योंकि आप लोग ये देख रहे हो कि हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है कोरोना जैसी, जो अभी तक ठीक होने को नहीं आ रही है। जब भी आप अपने घरों से निकले तो ये ध्यान में रख के निकलो कि जहाँ भी हमने जाना है, चाहे उस टाइम की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप लोग मास्क लगा के ज़रूर निकलें। हम दुकानदारों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन खुद करवाएं। ये ना देखें कि पुलिस वाले वहाँ से आ रहे हैं या कुछ वॉलंटियर्स लोग आ रहे हैं, तो हम तभी अपनी दुकान का पालन करेंगे। नमस्कार, मैं लक्ष्य वैद, विजयपुर का नागरिक, मैं एक सोशल वर्कर हूँ यहाँ पे। हम लोगों की कुछ टीम है, छः बंदों की, हम लोग यहाँ पे बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा साथ दे रही है, और मेरी आपके माध्यम से बस यही अपील है सारे लोगों को जो नागरिक हैं यहाँ पे विजयपुर के, कि हमारा साथ दें, जैसे वो साथ दे रहे हैं वैसे हमारा साथ दें, और हमारा जो है कोरोना को लड़ने